सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बच्चों के लिए दी जाने वाली एक एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे। उस सिरप का नाम है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दवा का जेनेरिक नाम है, इसलिए हो सकता है आपको बिल्कुल नया लगे। आप सभी इसको इसके ब्रांड नेम से जानते हैं, जैसे कि यूरोक्योर सिरप, यूनिटॉप सिरप, नाइट्रोफ्यूज सिरप और निनटोइन सिरप। ये इसकी ब्रांड नेम है जो स्क्रीन पर पिक्चर देख पा रहे हैं, और हो सकता है जो ब्रांड नेम में आपके एरिया में किसी और नाम से मिले, लेकिन जो दवा का जेनेरिक नाम, जो मूल नाम कंपोजिशन रहेगा वो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही रहेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि क्या स्ट्रेंथ में इसमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मिलाया जाता है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, साइड इफेक्ट इस सिरप के क्या होते हैं, और बच्चों में डॉक्टर कितनी मात्रा में ड्रॉप सिरप देते हैं, क्या इसकी डोज रहती है, ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर बीमारी को ठीक करता है। साथ ही इसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाता और किडनी में ही रहकर अपना काम करता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, जो मैंने शुरुआत में ब्रांड्स बताई थी, इन सभी में 25 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। मतलब जो 5 ml सिरप आप बच्चे को पिलाते हैं, इसका मतलब 25 मिलीग्राम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन आपने उसको दी है। और अब अगर इसके प्राइस की बात की जाए, आपको कितने रुपए मिल जाती है, क्या इसकी MRP रहती है, तो 100 ml की पैकिंग की जो सिरप है, लगभग आपको 47 रुपये से 50 रुपये में सभी ब्रांड्स की प्राइस मिल जाती है। और हो सकता है कुछ ब्रांड थोड़ी महंगी भी हो, लेकिन 50 रुपये के लगभग आपको 100 ml की सिरप मिल जाएगी। दोस्तों नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप के अगर यूजेस की बात की जाए, किन किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, तो जो इसका मुख्यतः प्रयोग है UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा है जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, मतलब उसके पेशाब में इन्फेक्शन हो गया जिस कारण से बच्चे के पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, उस कारण से पेशाब त्यागते समय बहुत ज़्यादा उसको रोना आता है, पेट में उसके दर्द रहता है, पेशाब के साथ पस लाइक फॉर्मेशन आती है, थोड़ी थोड़ी देर से बार बार वो पेशाब करता है, तो इस तरह की स्थिति को हम UTI कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो सिरप है, डॉक्टर द्वारा बहुत अच्छी प्रिस्क्राइब की जाती है और अच्छा फ़ायदा बच्चे को मिलता है। इसके अलावा कई बार देखा गया है बच्चों में पेशाब त्यागने में समस्या रहती है, तो उनको कैथेटर लगाया जाता है, जो पेशाब की नली कहते हैं, तो उस समय जब कैथेटर लंबे समय तक बच्चों में लगाया जाता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उस इन्फेक्शन होने को बचाने के लिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा UTI को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन और है जिसका नाम नॉरफ्लोक्सासिन है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लाई जाती है, परंतु कई बार बच्चों में इसको ज़्यादा देने पर रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जिस कारण से नॉरफ्लोक्सासिन या इसके जो सिमिलर मेडिसिन है सिप्रोफ्लोक्सासिन या ऑफ्लोक्सासिन, कोई भी सिरप काम नहीं करती, तो उस समय नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें दोस्तों, जब बच्चे में किडनी का इन्फेक्शन हो गया हो या UTI के अलावा कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस समय ये जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप है काम नहीं करती है। और जो दोस्तों मैंने यूज़ बताए, हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य यूज़ में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस सिरप का प्रयोग ले। अब अगर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप के साइड इफेक्ट की बात की जाए, यदि किसी बच्चे में इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें बच्चे को नोजिया वोमिटिंग, मतलब उल्टी मतली रहना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, साथ ही बच्चे को सर्दी लगना, बुखार आना, और किसी किसी बच्चे में नंबनेस, मतलब हाथ पांव का सूनापन रहना भी देखा गया है। यदि ऐसा हो या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले, तो तुरंत इस सिरप को देना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों एक विशेष बात यहाँ बताना चाहूँगा, जब बच्चे को आप ये सिरप देते हैं तो बच्चे की जो पेशाब है, जो यूरिन है, उसके आउटपुट के समय जो उसका कलर रहेगा डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो उससे बिल्कुल आप नहीं घबराएं। ये इसका एडवर्स इफेक्ट, जो हार्मलेस एडवर्स इफेक्ट है, ये कोई नुकसान नहीं करता। जब आप दवा देना बंद करेंगे तो इसका यूरिन का जो कलर है वो नॉर्मल तक आ जाएगा। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सिरप की क्या डोज रहती है, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा बच्चे को दी जाती है। दोस्तों बच्चों में जो दवा की डोज रहती है उनके वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, हालांकि उनको जो डोज रहती है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर डिसाइड करके देते हैं। और यहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरा वीडियो देख के आप किसी भी दवा का या नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दवा का डोज अपने बच्चे को नहीं दें, घातक हो सकता है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूँ, यदि आपको डॉक्टर ने बताई आप भूल गए हो तो इसको देख के आपको कुछ मदद मिल सके। बच्चों में जो दवा की
डोज है उनके बॉडी के वजन के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर प्रति किलोग्राम डोज की बात की जाए तो नाइट्रोफिरेंटोइन 5 मिलीग्राम से लगाकर 7 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग उनको डोज दी जाती है। ये कैलकुलेट करके दी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि कोई बच्चा है जिसका वजन 10 किलोग्राम है तो उसको 50 मिलीग्राम से लगाकर 70 मिलीग्राम पूरे दिन में अलग अलग डिवाइड डोज में नाइट्रोफिरेंटोइन दी जाएगी। और अगर फिक्स डोज रिकमेंडेड जो की गई उसके बारे में बताऊँ तो ये भी किलोग्राम के अकॉर्डिंग है। यदि कोई बच्चा है जिसका वजन 7 किलो से लगाकर 11 किलोग्राम तक का है तो उसे 12.5 मिलीग्राम सिंगल डोज दी जाएगी। यहाँ पे मैं सिंगल डोज बता रहा हूँ, इसे दिन में 3 से 4 बार जब आवश्यकता होती है डॉक्टर देते हैं। और यदि कोई बच्चा है जिसका वजन 12 किलोग्राम से लगाकर 21 किलोग्राम तक का है तो उसे 25 मिलीग्राम नाइट्रोफिरेंटोइन, और कोई बच्चा है जिसका वजन 22 किलोग्राम से लगाकर 30 किलोग्राम तो उसे 37.5 मिलीग्राम नाइट्रोफिरेंटोइन, अगर बच्चे का वजन 31 किलोग्राम से 41 किलोग्राम का है तो उस समय 50 मिलीग्राम, और साथ ही बच्चे का वजन 42 किलो या उससे ज़्यादा है तो 50 मिलीग्राम से लगाकर 100 मिलीग्राम नाइट्रोफिरेंटोइन एज है उसके बॉडी के नीड उसे दिया जाएगा। और ये मैंने जो बताया है सिंगल डोज बताइए, आवश्यकता होने पर इसे दिन में 2 बार, दिन में 3 बार और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिन में 4 बार भी दिया जा सकता है। इसे डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपको कुछ हेल्प मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ये डोज बताई है। और जब भी आप बच्चे को दवा दें जितना आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है जितने दिनों तक एडवाइस किया उतने दिनों तक ये दे, उसे ज़्यादा नहीं दें। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया था नया नो फ्लोक्सासिन से रेसिशन डेवलप हो जाता है। जब भी आपको दवा ज़्यादा दे देंगे तो हो सकता है उससे भी कोई रेसिशन डेवलप हो जाए, तो आप जितना डॉक्टर ने बताए उतना ही दें। और सामान्यतः जो इसकी डोज रहती है दवा की थेरेपी की वो 3 दिन से लगाकर 7 दिन की होती है। और जब भी आप नाइट्रोफिरेंटोइन दवा दें बच्चे को तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिक्विड इंटेक कराएं, पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं, जूस पिलाएं, जिससे कि जल्दी जल्दी उसका यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो सके। दोस्तों इसी के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैंने नाइट्रोफिरेंटोइन सिरप के बारे में आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।